मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पर स्थित इच्छा देवी का ऐसा अद्भुत मंदिर है जिससे हर भक्तों की मुराद पूरी होती है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से लगभग 21 किलोमीटर दूर इच्छापुर गांव में मौजूद यह मंदिर लगभग 450 साल पुराना है। इच्छा देवी मंदिर में भक्तगण दूर दूर से अपनी मुराद लेकर मंदिर पहुंचते हैं। कोई घुटनों के बल पहुंचता है तो कोई पेड़ी पर नारियल तोड़कर अपनी इच्छा पूरी करने माता के दरबार में पहुंचते हैं। देखिए एमके न्यूज की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर श्री इच्छा देवी माता का मंदिर मध्य प्रदेश के प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों में से एक माना जाता है। बुरहानपुर तहसील में आने वाले इच्छापुर गांव में मौजूद इस प्रख्यात मंदिर का दोनों राज्यों में बेहद महत्व है। शारदीय नवरात्र उत्सव पर इच्छा देवी माता मंदिर पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी संख्या में पहुंचकर आराधना की जाती है। कहा जाता है कि इस गांव का नाम भी मां इच्छा देवी के नाम पर ही पड़ा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मराठा सूबेदार ने संकल्प किया था कि यदि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो देवी के लिए एक मंदिर और कुएं का निर्माण कराएगा। जब उस सूबेदार की इच्छा पूरी हुई तो उसने कुएं और मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी बनवाई। तभी से यहां दोनों नवरात्र में पड़वा से लेकर नवमी तक भक्त माता के दर्शन करने आते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। यहां दोनों नवरात्र में एक वार्षिक मेला भी लगता है जो 9 दिन तक चलता है। मेले की व्यवस्था पूर्व में जनपद सभा के अधीन थी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इच्छा देवी ट्रस्ट बन जाने के बाद इस मंदिर का कायाकल्प हो गया है। दानदाताओं की मदद से मंदिर का भव्य स्वरूप बनाया गया है। नीचे आवासीय व्यवस्था, बर्तनों इत्यादि की अव्यवस्था उपलब्ध कराई गई है जिससे यहाँ दूर दूर से नागरिक गण जो है विवाह संबंधित कार्य के लिए भी आते हैं। ट्रस्ट के प्रयास से पहाड़ों पर स्थापित मंदिरों के अनुसार यहाँ भी उत्तम व्यवस्था की गई है जिसमें निरंतर प्रगति होती जा रही है। यहाँ बहुत दूर दूर से भक्तगण दर्शन करने आते हैं। वर्तमान में पर्यटन विकास निगम द्वारा 93,25,000 रुपए की राशि से कायाकल्प किया गया है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 176 सीढ़ियां हैं, जो कि प्राचीन है, और उतरने के लिए 225 सीढ़ियां हैं, जो कि पर्यटन विकास द्वारा बनाई गई है। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। माता यहाँ स्वयं प्रकट हुई है और ये मान्यता ये है कि एक बार जो भक्त आ जाता है मनोकामना सिद्ध हो जाती है। क्यों यहाँ पर जो है बताते हैं कि काफी वर्ष कितने लगभग कितने वर्ष पुरानी माता होगी ये लगभग 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 450 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। दोनों नवरात्र में मिलाकर लगभग कितने लोग यहाँ पर माथा टेकने आते हैं? चैत्र महीने में जो मेला लगता है इसमें 2-2.5 लाख ब्राह्मण ने आपको गौरतप किया था उसमें माता रानी प्रसन्न होकर देवीदास नाम ब्राह्मण को पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो देवीदास नाम ब्राह्मण बोले कि हमारे मेरी एक ही अभिलाषा है कि तूने मेरी इच्छा पूरी की है दर्शन लेकर। वैसे ही सब भक्तजनों की इच्छा पूरी कर आज से 450 वर्ष पूर्व माता रानी आपको प्रकट हुई है। स्वयं माता है कोई स्थापना नहीं हुई है, किसी ने कुछ बैठा नहीं है, माता स्वयं है और जनता कल्याण करती है और इच्छा हमेशा पूरी करती आती है।